तो यहाँ होमवर्क क्या है हमारा, ASCII की फुल फॉर्म बतानी है। ओके जो कहाँ लिखनी है, कमेंट सेक्शन में लिखनी है। उसके बाद आता है हमारा अदर मेमोरी टर्म्स। अदर मेमोरी टर्म्स में क्या होगी हमारी, बाइट इज अ 8 बिट, मतलब वन बाइट किसके इक्वल होता है, 8 बिट के इक्वल होता है। ठीक है, वन बाइट किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है। यह हमने किसका रिलेशन बनाया है, जो भी हमारे मेमोरीज होती हैं उनका रिलेशन किसके थ्रू किसके लिए बनाया है, किस किस के साथ में, मेमोरीज़ का प्लस बाइट के साथ में। जैसे 1 KB में कितने होंगे, 1000 बाइट्स, 1 MB में, 1 MB किसके इक्वल होता है, मतलब 1024 KB की बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 मिलियन हो जाएंगे। और यहाँ 1 GB की बात करें, 1 बिलियन हो जाएंगे, मतलब 1024 MB इज इक्वल टू 1 बिलियन। एंड यहाँ हम बात करें, 1 ऊपर ही हमारा क्या था, 1 MB में, ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, 1 MB, तो 1024। अगर 1 MB की बात करते हैं तो कितना आएगा, 1 बिलियन अपॉन 1024, है ना। एक की कीमत निकल गई, जो भी एक की कीमत आएगी, जब हमने एक की कीमत निकाली है, 1 MB इज इक्वल टू 1 बिलियन अपॉन 1024, तो हम जब 1 रुपये की कीमत हमें मिल गई, तो अब हमें कितने की भी निकालनी हो, क्या 1024 हो, जो किसको इक्वल होता है 1 GB के, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ चला जाएगा ये, तो 1 GB बन जाएगा, तो 1 GB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बिलियन। ठीक, तो 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट होता है, 1 MB इज इक्वल टू 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन बाइट होता है, 1 GB इज इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स होता है। ठीक, फिर आता हमारा CPU, इट्स अ मेमोरी पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, मेन मेमोरी, इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसका ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन है, जो किस तरीके का दिखाई देता है, एक चिप के जैसा दिखाई देता है। अगर इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो मल्टीपल इसमें क्या होते हैं, पिंस निकली होती हैं। मल्टीपल्स क्या होती है, इनमें पिंस निकली होती हैं। इसका टेक्निकल नेम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस फुल फॉर्म क्या होती है CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू। प्रोसेसर भी इसको बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी इसको बोलते हैं। इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किसका ब्रेन होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। परफॉर्म करता है ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में, वो कौन परफॉर्म करता है, CPU परफॉर्म करता है। यही एक ऐसा पार्ट है जो हर चीज़ को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, हर चीज़ को चेक करता है, चाहे कीबोर्ड हो और माउस हो, हार्ड डिस्क, रैम, सबको चेक करता है कि सब चीज़ क्या है, एक्यूरेट चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर एक्यूरेट चल रही हैं तो CPU ऑन हो जाएगा, मतलब मॉनिटर पे, डिस्प्ले पे आपकी स्क्रीन आ जाएगी। अगर एक्यूरेट नहीं चल रही है तो वहाँ पर क्या शो होने लगेगा, सा एरर शो करने लगेगा। CPU IBM कंपेटेबिलिटी, World War II, पहले बताया हुआ है, जिसको ना आया हो बैक करके, वीडियो को बैक करके देख सकता है। मैनी मेड बाय कंपनी कॉल्ड इंटेल, इट्स अ प्रोसेसर। इंटेल का क्या आता है, प्रोसेसर क्या आता है, ये क्या है इंटेल क्या है, एक ब्रांड है। तो मैनी मेड बाय कंपनी, आज की डेट में बहुत कंपनियां बना रही हैं इंटेल। ऑल्सो मेड बाय AMD,
AMD भी जो ब्रांड है, कंपनी है, वो भी इसको बना रही है। AMD के वैसे पहले क्या आते थे, ग्राफिक्स कार्ड आते थे, ग्राफिक्स कार्ड्स, प्रोसेसर भी आए हुए हैं AMD के, प्रोसेसर भी आए हुए हैं। नेक्स्ट इंटेल प्लेटिनम प्रोसेसर, ये क्या इंटेल क्लास का, ये क्या है, प्रोसेसर है। जैसे आज के टाइम पे आपको i3, i5, i7, i9, i11 देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले इससे अगर पहले की बात करी जाए तो पहले क्या आता था, सेलरॉन आता था, प्लेटिनम आता था, सेलिरो आता था, ठीक है, और पेंटियम आता था, पेंटियम क्लास। तो ये वही क्लास है, पेंटियम क्लास, ये जो दिखाई है यहाँ पर, ये वही पेंटियम क्लास जो है प्रोसेसर की है। नीड टू रन मोस्ट करंट सॉफ्टवेयर, नीडेड, ज़रूरत पड़ती थी टू रन मोस्ट करंट सॉफ्टवेयर के लिए, इंटेल का था, जिसमें सेलेरॉन, जैसे जो अभी मैंने बताया, ये रहा सेलेरॉन प्रोसेसर है, और पेंटियम फोर, पेंटियम फोर मतलब फोर इसका वर्जन है, AMD भी इसका क्या है, प्रोसेसर है। ये सब किसके क्लास हैं, अपने पेंटियम, पेंटियम के सबके क्लास हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका सेलेरॉन, पेंटियम फोर और AMD। CPU की क्लॉक स्पीड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कंप्यूटर कैन ऑपरेट, मतलब 1 सेकंड में कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है साइकिल को, उसको बोलते हैं क्या, क्लॉक स्पीड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कंप्यूटर कैन ऑपरेट क्या है, क्लॉक स्पीड, ठीक। मेजर किस पे किया जाता है, एम हर्ट्स, एम मतलब मेगा, एच जेड मतलब हर्ट्स, ठीक, एम मतलब हो गया मेगा, एच जेड मतलब हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, किस में मेज़र होता है, मेगा हर्ट्स। क्या चीज़ होती है, मेज़र होती है क्लॉक स्पीड, मतलब पर सेकंड में जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है एक साइकिल को, नंबर ऑफ साइकिल को जो ऑपरेट करता है किस सेकंड में, 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड। मेज़र किस में होती है, मेगा हर्ट्स में। 1 MH, 1 MHz किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मिलियन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, 1 MHz बोलते हैं। तो 1 MHz इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेकेंड में जो 1 मिलियन साइकिल होती हैं, रोटेशन होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 MHz बोलते हैं। गीगाहर्ट्स की बात की जाएगी तो 1 बिलियन साइकिल हो जाएगा, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, 1 MB जब पढ़ा था तो उसमें हमारा क्या था, 1 मिलियन था, 1 मिलियन बाइट्स था, और 1 GB की बात करते हैं तो 1 बिलियन था। तो ऐसी 1 MHz 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, और 1 GHz की बात की जाएगी तो 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। और करंट स्पीड क्या है, 2 से लेके 4 GHz, 2 से लेके 4 कित क्या है, गेगा हर्ट्स। CPU CPU मिसलिनियस में परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस ऑल्सो इफेक्ट बाय स्पीड ऑफ डाटा बस, जितनी स्पीड होगी, मतलब जो हमारी डाटा बस होती है, डाटा बस का मतलब जो होता है, जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, डाटा का, ट्रांस रिसीवर बोल सकते हैं, मतलब ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, किसके थ्रू होता है, डाटा बस किसके बीच में होता है, CPU और मेमोरी के बीच में जो होता है, स्पीड जो होती है उनकी, उनके बीच का जो ट्रांसफरिंग स्पीड होती है, वो इफेक्ट करती है किसको,
परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। जैसे आपके फ़ोन में जब हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या हमारे फ़ोन में बैकअप में बैकग्राउंड में जो कोई एप्लीकेशन चल रहा होता है, करंट में चल रहा होता है, तो हमारा फ़ोन क्या होता है, हीट अप हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, स्लो हो जाती है। ओके तो इसका एमएच कितना होता है, 400 से लेके 800 मेगाहर्ट्ज़ मोस्ट करंट सिस्टम में, आज के करंट सिस्टम में। और कैच मेमोरी क्या करती है, स्पीड बढ़ाती है, किसकी, इंक्रीज़ करती है स्पीड को, कैच मेमोरी, जितनी कैच मेमोरी होगी उतनी स्पीड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टोर करती है डाटा को, विल लाइकली नीड इन नेक्स्ट इन द एरिया दैट हैज़ फास्ट एसेस, कि जल्दी काम हो। बोथ मेमोरी कैच और डिस्क, कैच क्या होती है उसमें यूज्ड होती है, ठीक है, मेमोरी, बोथ मेमोरी कैच और डिस्क कैच दोनों क्या होती है उसमें यूज्ड होती है। और शुड बी 512 के की क्या है, मतलब स्पीड है ये, और उससे भी बेटर हो सकती है और बेटर भी हो सकती है। ये आपकी क्या है, सीपीयू की जो स्पीड वगैरह होती है उनका इफेक्ट जो करता है मिसलीनेस में, जो स्पीड में डाटा डाटा बस के थ्रू जो हमारा ट्रांसमिशन होता है डाटा, उसकी बात करते हैं हम। फिर बाइंग हैंड्स, तो मिनिमम ऑफ द पेंटियम 4 या AMD एंथम, ये हमारे क्या थे, प्रोसेसर थे, ये हिंट दिया गया कि कौन से खरीदे जा सकते हैं, कि CPU जो है हम कम से कम कौन सा ख़रीदें, तो मिनिमम कौन सा होना चाहिए, पेंटियम 4 होना चाहिए या AMD एथलॉन होना चाहिए। मिनिमम जो क्लॉक स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 GHz की होनी चाहिए कम से कम, जो हमारी क्या करेगी, स्पीड मेंटेन रखेगी। और जो कैच मेमोरी होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 512K होनी चाहिए, ठीक है, 512K होनी चाहिए, किलो की होनी चाहिए मिनिमम। ये क्या है, मिनिमम है। अगर आपको क्या बनाना है, एक CPU तैयार करना है, तो कम से कम प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, आपका पेंटियम का होना चाहिए, पेंटियम 4 या AMD। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड हमारी कौन, 2 GHz होनी चाहिए कम से कम। और कैच मेमोरी कितनी होनी चाहिए, 512K की होनी चाहिए। अब इंटरनल मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रैम। इंटरनल मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें जाएँ, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, की बात की जाए, या लैपटॉप की बात की जाए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंजेबल कर सकते हैं। चेंजेबल का मतलब होता है इसको हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 की पावर n, मतलब इवन टर्म, ठीक है। रैम किसके लिए यूज़ होती है, स्पीड के लिए यूज़ होती है। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एसेस मेमोरी कहलाता है, जो किस क्या करता है, रीड एंड राइट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है, ये रीड एंड राइट। CPU कैन एसेस एनी लोकेशन एज क्विकली एज देयर एनी अदर, CPU क्या कहीं से भी एसेस कर सकता है, कोई भी लोकेशन से। कैन नॉट ओनली रीड, ये क्या करता है, रीड का ही काम नहीं करता है, साथ के साथ किसका काम करता है, राइट का भी काम करता है, कौन, रैम। तो जो रैम की मैंने बात करी है, रैम जो है रीड का ही काम नहीं करता है, रीड भी करता है और राइट भी करता है, दोनों चीज़ करता है, रीड एंड राइट बोथ। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरटेनमेंट कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और कैपेबिलिटी को करता है, मतलब कहने का मतलब जैसी रैम लगाओगे वैसी आपके कंप्यूटर की स्पीड बनी रहेगी और हैंगिंग प्रोसेस भी कम होगा। वही सेम फंडा किसमें, आपके मोबाइल सिस्टम में भी है। मोबाइल में जितनी रैम होती है उतना ही फ़ोन क्या होता है, ईजिली ऑपरेट होता है। कंप्यूटर शुड हैव एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 256 मेगा से लेके 512 कम से कम होनी चाहिए, प्रिफर्ड होनी चाहिए, माना जाता है। और उसके बाद कैन एडिट टू ए लेटर, और बाद में आप उसको ऐड भी कर सकते हो। ये कम से कम पूछिए, कम से कम कहिए 256 तो होनी चाहिए, बट आज की डेट में एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इतने हैवी आते हैं, ये 256 जो है अनयूजेबल है। तो कम से कम अब आप आज की डेट में आपको कम से कम 4 GB तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और अगर आप एक गेमर हो, तो आपको कम से कम अबव 10 GB चाहिए। फिर आता है इंटरनल रोम। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये किसका काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। रोम आपके मोबाइल फ़ोन में होती है, और अगर इसको हम
लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें तो ये किसका काम करता है, हार्ड डिस्क का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो कैन ये सिर्फ किसका काम करेगा, रीड का, सिर्फ ये रीड करता है इन्फो स्टोर, और क्या स्टोर करता है, आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है किसमें, रोम में। ठीक है, कैन नॉट राइट न्यू इन्फॉर्मेशन इन द रोम, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन को राइट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम रैम की बात करें और रोम की बात करें, रैम हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी, ये आपका टेम्परेरी होता है, ये आपका परमानेंट होता है, ये आपका रीड एंड राइट के लिए काम करता है, ये आपका रीड के लिए काम करता है, ये डाटा लॉस्ट हो जाता है व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, ये डाटा लॉस्ट, इसमें डाटा लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, और यूज होता है इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, एक इसकी खुद की इंटरनल स्पेस होना चाहिए ना जिस पे कंप्यूटर ऑपरेट होगा, मतलब जिस पे ब्रेन चलेगा, ब्रेन के दिमाग को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इंटरनल जो रोम यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ हार्ड डिस्क। और बायर इज़ नॉट वेरी कंसर्न विद द रोम, बायर जो होते हैं इज़ नॉट वेरी कंसर्न विद रोम, रोम के साथ क्या होते हैं, कंसर्न नहीं होते हैं। और आप इसके साथ साथ ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो आप एक्सटर्नल लगाते हो, जैसे आपकी हो गई आपकी पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल डिवाइस के लिए जाती है। जैसे आप एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी यहाँ पर क्या हमारा क्या है, फ्लॉपी, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर फ्लॉपी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, FDD फ्लॉपी, FDD फ्लैश डिस्क ड्राइव। ठीक, ये क्या है, इसका ड्राइव, इसका क्या नाम है आपका, कहने का मतलब जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क लगती है, ठीक है, जिसमें फ्लॉपी डिस्क लगती है, मतलब इसका डिस्कैट बोल सकते हैं उसको, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क लगती है, इस जगह लगती है। ठीक, ये आपका कौन सा है, इट्स अ CD कॉम्पैक्ट डिस्क, नॉट कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका हार्ड ड्राइव HDD, ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे CD हो, बट ये CD नहीं है। यह है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जो अंदर जो है प्लेट लगी हुई है, ठीक है, जो मैग्नेटिक रोटेशन होकर यूज़ की जाती है, हार्ड डिस्क ड्राइव विच फिक्स्ड कुछ लोकल प्लेटर्स हैं, प्लेटर्स मतलब प्लेट्स वगैरह जो हैं, जो प्लेट्स लगी हैं। फिर यहाँ पर आपका आता है टेप ड्राइव, ये टेप ड्राइव होती है, जिसके लिए म्यूज़िक वगैरह के लिए आपने देखी होगी, जो पहले यूज़ होती है, टेप ड्राइव है, ये उसका सर्किट है। और यहाँ आपका क्या है, CD मतलब CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, ये सब क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाते हैं। फिर आता अपना फ्लॉपी डिस्क, जिसको हम FDD बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कम होती, ये किसके किस साइज़ में आती है, ये आती है आपकी 5/5 इसमें आती है 5/1.4 इंच में आती है, और 3/1.2 में आती है, अगर इसके चार 5×20 और 21/4 में, और ये 3×6 7/2 में आती है। ठीक, HD हाई डेंसिटी होती है, कम्स विद ऑल करंट सिस्टम के लिए होती है, आज की डेट में भी अवेलेबल है, आप चाहो तो लगा सकते हो। स्पेस जो होता है इसका 1.4 से लेके 3.5 से लेके, मतलब 7/2 से लेके 1.44 मेगाहर्ट्ज़ तक, मेगा पर सेकंड तक चलता है। हार्ड डिस्क ड्राइव,
ये बेल्ट मशीन के अंदर लगी होती है जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी ड्राइव होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, परमानेंट होती है, और जो सीपीयू जो होता है अपने प्राइमरी प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसी पे ऑपरेट होता है। सारा डाटा जो सेव होता है किस में होता है, प्राइमरी में होता है। बिल्ट इनटू मशीन, ठीक, मेड अप ऑफ स्टैक ऑफ प्लेटर्स, मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ प्लेटर्स, मतलब क्या होता है, किससे बने होते हैं, प्लेटर्स के स्टैक्स ऑफ प्लेटर्स से बने होते हैं, जो मतलब प्लेट होती है उसके अंदर मल्टीपल 3-4 प्लेट होती हैं, डिपेंड करता है कितने जी बी की वैसी प्लेट लगी होती है। कैन स्टोर करता है मच फ्रॉम दी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव से ज़्यादा स्पेस कवर स्टोर करता है, ठीक है। 40 GB शुड बी मिनिमम, कम से कम इसमें 40 GB तो होता ही होता है, ठीक। 40 GB का मतलब हो गया 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, और 40 GB इज इक्वल टू 40 × 1024, वो जो 16 का एक हाथ से 4 × 8 = 9 और 0 × 4 = 4, मतलब 4096 MB के अराउंड क्या होगा इसमें कम से कम तो डाटा होता ही होता है। आगे 0 BS है इसके आगे 4096 कितना MB होगा ही होगा, मतलब मिनिमम कितना होता है 40 GB तो होता ही होता है इसके अंदर हार्ड डिस्क में, तो मतलब हार्ड डिस्क में फ्लॉपी से ज़्यादा होता है। कैन एसिस इन्फॉर्मेशन मच फास्टर देन द फ्लॉपी डिस्क, और जो एसिस करता है जो इसमें से यूज़ होता है क्या डाटा, एसिस जो होता है वो फ्लॉपी से फास्टर होता है, फ्लॉपी से क्या होता है फास्टर होता है। दूसरा आता है आपका सी डी रोम, कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट इज रीड ओनली मेमोरी, सेम एज अ म्यूजिक सी डी, जब म्यूजिक सी डी आपने देखी उसी तरह होता है, ये सिर्फ रीड का काम करता है। कैन स्टोर करता है 650 MB, सिर्फ 650 MB स्टोर करता है इसमें, इससे ऊपर नहीं करता, 650 MB स्टोर करता है, 650 MB स्टोर करता है कौन सी डी। ऑल प्रोग्राम नाउ ओनली सोल्ड ऑन सी डी, जितने भी ऑल प्रोग्राम है नाउ आज की डेट में किस में बिकते हैं, सीडी में बिकते हैं, जितने प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब है सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो किस में बिक रहे हैं आज की डेट में, सीडी में बिक रहे हैं, सीडी में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, मतलब सेव कर दिए जाते हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं और सीडी बिक जाती है, और उसके बाद वहाँ से कॉपी करके आगे यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेक मल्टीपल मल्टीमीडिया पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल है, आपके पास उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 650 MB तक हो या 650 MB से कम हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सीडी में स्टोर कर सकते हो। कम इन डिफरेंट स्पीड, और अलग अलग स्पीड में अवेलेबल है, 20x और 50x में अवेलेबल है। एक आती है रीड रीड राइट सीडी रोम, इसको हम डीवीडी भी जानते हैं, डीवीडी के नाम से भी जाते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के नाम से भी आता है, डिस्क के नाम से भी आता है। इसमें जो होता है करीब 4.7 GB के अराउंड इसमें आप स्टोर कर सकते हो। ये सेकंड आ गया डीवीडी रोम, डिजिटल वीडियो डिस्क कैन बी स्टोर अप टू 17 GB, डिपेंड करता है आप कैसे स्टोरेज के ला रहे हो, कम से कम 4.7 GB इसमें स्टोर होता ही होता है, और कहाँ तक चलता है 17 GB तक चलता है डीवीडी में, और फुल लेंथ मूवी आप इसमें स्टोर कर सकते हो, और कि 17 GB से कम ही होगी स्टोर, अगर 17 GB से ज़्यादा है तो स्टोर नहीं हो पाएगी। रीड ऑन, और ये क्या करता है रीड सी डी रोम डिस्क, ये ऑल्सो क्या करता है रीड एंड राइट, ये रीड का भी काम करता है और इसमें एक ऑप्शन में भी आता है राइट का भी, आप चाहो तो उसमें इरेज भी कर सकते हो, डाटा को जो डाला हुआ उसको इरेज भी कर सकते हो, नया डाटा स्टोर कर सकते हो। ये रहा आपका रीड एंड राइट आ गया दोनों में, सी डी रीड एंड राइट, डी वी डी रीड एंड राइट ड्राइवर, ठीक। अलाउ यू कैन राइट द डिस्क, कहने का मतलब है जो आपने डाटा सी डी में डाला है या डी वी डी में डाला है, आप चाह रहे हो कि आप इसको ये डाटा हट जाए और नया डाटा मैं इसमें डाल दूँ, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, तो इसको आप इरेज कर सकते हो, क्योंकि ये कौन सी सी डी है, री राइटेबल, आर डब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल, री राइटेबल सी डीज, तो इसमें आप डाटा को डिलीट कर सकते हो और नया डाटा इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसी सी डी में आता है और ऐसी डी वी डी में आता है।
अलाउ यू टू राइट टू डिस्क, आप वो अलाउ करता है कि आप इसमें राइट कर सकते हो, लिख सकते हो दोबारा से। यूज़फुल होता है डाटा बैकअप, कोई भी डाटा हम लेना चाहते हैं अपने कंप्यूटर किसी का भी, तो इसमें डाटा बैकअप ले सकते हैं। लार्ज फाइल स्टोर कर सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह मल्टीमीडिया फाइल स्टोर कर सकते हैं, ऐसी डीवीडी में होता है। एंड अब सीडी में थोड़ा कम स्पेस होता है तो उस हिसाब से आप स्टोर कर पाओगे, डीवीडी में ज़्यादा स्पेस होता है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा कर पाओगे। और स्टिल समवॉट एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होती है। सीडी की बात करो तो 10 से 15 रुपए की आ जाएगी, रीड एंड राइट की 10 से 15 नॉर्मल वाली सीडी रोम। और सीडी आरडब्ल्यू जो होती है वो आपकी कम से कम 25 से लेके 50 तक की आ जाएगी। और ऐसी डीवीडी आती है, नॉर्मल डीवीडी आएगी आपके इतने की, और रीराइटेबल थोड़ी महंगी आ जाएगी, 60-80 अराउंड रुपये की आ जाएगी। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं तुम्हारे, यूएसबी मतलब ये होते हैं एक्सटर्नल, हो गए आपके एक्सटर्नल, या इनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी। तो यूएसबी ड्राइव वेरी पॉपुलर, डिपेंड करता है आप कितने की ला रहे हो, हर साइज़ की आज की डेट में अवेलेबल है। 1 GB, 2 GB, 3 GB, 512 MB, 64 GB, 128 GB, हर GB की आज की डेट में अवेलेबल है। टेप ड्राइव मतलब जो कैसेट्स होती हैं जिसमें ऑडियो आता है, बैकअप के लिए यूज़ होता है, सिमिलर टू कैसेट टेप की तरह ही होती हैं। जैसे बड़ी भी होती हैं जो जिसमें पहले मूवी आती थी, बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की सीडियाँ होती थी ना, DVD कैसेट जैसी दिखती थी, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा, तो वो टेप ड्राइव होती हैं, बैकअप के लिए यूज़ होती है। और जिप ड्राइव आपकी होती है आपकी जस्ट लाइक अ मेमोरी कार्ड जैसी, उसी साइज़ में होती है, तो 100 MB से लेके 2 GB तक की कैपेसिटी इसकी होती है। और एवरीडे यूज़ और बैकअप, आप उसको बैकअप के लिए यूज़ होता है। और ये सब क्या होती है, रीड एंड राइट और RW होते हैं, रीड एंड राइट उसे बोलते हैं, बाकी रीराइटेबल भी बोलते हैं। कम से कम ड्राइव कौन सी खरीदें, बाइंग एडवाइस दी जा रही है, कम से कम 40 GB होनी चाहिए हार्ड डिस्क, कितने GB होनी चाहिए, 40 GB होनी चाहिए कम से कम कंप्यूटर के अंदर। और अगर फ्लॉपी डिस्क की बात होनी चाहिए तो कम से कम 7x2 की होनी चाहिए, फ्लॉपी डिस्क लगवा रहे हो तो CD राइटर लगा होना चाहिए CPU के अंदर, ठीक है। और DVD इज़ नॉट इनेंशियल बट यूज़फुल, और DVD इनेंशियल है नहीं बट यूज़फुल बहुत है। अगर मेरा मानना तो यही है कि आप CD राइटर की जगह कौन सा राइटर लगवाएं, DVD राइटर लगवाएं, 800 रुपये का आता है, साथ के साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे क्लिक कर दें जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए नए वीडियो को। साथ के साथ कॉपी करें और लर्न करें, बट सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और साथ के साथ कमेंट भी करें कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और जो नहीं आ रहा वह आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंसिव स्लॉट्स कौन कौन से होते हैं, अलाउ यू टू ऐड कैपेबिलिटी, आप ऐड कर सकते हो, जैसे कौन कौन से स्लॉट्स आपके अवेलेबल मदरबोर्ड में, मैंने आपको जो बताया मदरबोर्ड में और भी स्लॉट्स होते हैं, जैसे नेटवर्क कार्ड लगा सकते हो, मॉडम कार्ड लगा सकते हो, ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, GUI कार्ड लगा सकते हो, डिपेंड ऑन योर नीड्स, डिपेंड ऑन योर नीड्स। अगर आप जैसे गेमर हो तो ग्राफिक कार्ड लगा लीजिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही तो GUI कार्ड लगा के आप वो ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, GUI कार्ड लगा के आप रिजोल्यूशन को और अच्छा बेटर बना सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। वाईफाई नेटवर्क कार्ड नहीं लगाना तो मॉडम कार्ड लगा सकते हैं या डोंगल लगा सकते हैं, इससे आप वायरलेसली कनेक्टेड रहेंगे। पोर्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला पोर्ट है वीडियो अडैप्टर का, ये सीरियल पोर्ट दे रखा है,
उसके बाद पैरेलल दे रखा है, सीएसबी दे रखा है, उधर माइक पोर्ट दे रखा है और इधर कीबोर्ड कनेक्टर दे रखा है। कीबोर्ड कनेक्टर ये पहले यूज़ होते थे कीबोर्ड कनेक्टर के, ठीक है। अब ये इसकी जगह भी क्या हो गया, प्लग एंड प्ले आ गए। प्लग एंड प्ले मतलब यूएसबी वाले पोर्ट आ गए, लगाओ और चलाओ, ठीक है। कनेक्ट कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, पहला चीज़। पैरेलल पोर्ट किस लिए यूज़ होता है, यूज्ड प्रिलिमिनरी बाय प्रिंटर, प्रिंटर के लिए यूज़ किया जाता है सबसे पहले, प्रिमिनरी मतलब फर्स्टली प्राइम में, ठीक है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंटर, आप प्रिंटर लगा सकते हो इसमें। सीरियल पोर्ट में आप मॉडम माउस वगैरह लगा सकते हो, तो यूएसबी टाइप का होता है। एससीएसआई चेन में तो चेन डिवाइस लगा सकते हैं एससीएसआई में। यूएसबी में आप कोई भी यूएसबी डिवाइस लगा सकते हो, डिजिटल कैमरा, MP3, अदर डिवाइस आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क, नेटवर्क डिपेंड, अगर आप नेटवर्क सीखना चाहते हो तो अलग से पूछ सकते हो, टॉपोलॉजी सब नेटवर्क पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट इसमें बात की जाएंगी, यहाँ पर ये प्रिंटर लगा है, ये एक मेन सर्वर हो गया, या मेन सर्वर की छोड़ दो, प्रिंटर लगा हुआ है, यह हमारा में एक मॉडेम टाइप हो गया, मॉडेम लगा दिया हमने, लैन से कनेक्ट करके प्रिंटर हो गया, और सब ये लैन से कनेक्ट हो गया, जिसमें हमने क्या लगाया है, सीरियल बस टोपोलॉजी का इसका यूज़ किया हमने, ठीक। तो क्या है, कनेक्ट कंप्यूटर, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, अलाउिंग शेयरिंग, शेयरिंग कर सकते हो आप, और प्रोग्राम फाइल्स प्रिंटर एटसेट्रा, मतलब कुछ भी, इमेज हुआ, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, फोल्डर इमेज हुआ, वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, कुछ भी शेयर कर सकते हो। सर्वर इज़ मेन कंप्यूटर, और जो सर्वर की बात की जाए, अगर ये सर्वर इसको हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सर्वर बना रहे हैं, तो हमारा क्या है, मेन कंप्यूटर है जो हम इसको सर्व करेंगे, इससे जो हम सर्व करेंगे वो बाकियों में क्या हो जाएगा, सर्व हो जाएगा। फिर मॉडम, जैसे मॉडम अभी इन्होंने मॉडम के साथ में, मॉडम जनरल पहले की बात कर रहे हैं, मॉडम ये नीचे मॉडम लगा रखा है, ये मॉडम है, इसके साथ हमने फ़ोन भी जोड़ रखा है। अलाउ टू कंप्यूटर कम्युनिकेट ओवर अ फोन लाइन, मतलब फ़ोन लाइन के साथ में दो कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल, अंदर भी और बाहर भी, अंदर भी बाहर भी। कैन ऑल्सो हैव फैक्स कैपेबिलिटी, आप फैक्स भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर कुछ चीज़ डायल करके कोई कागज़ प्रिंट करते हैं तो दूसरे एरिया में, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में वही कागज़ वहाँ से प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फैक्स मशीन, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी भी रखता है। मॉडम में जो चलता है वो किस में चलता है, MBPS या BBPS में, बिट पर सेकंड में। जो स्लो स्पीड आती है वो आती है BBPS की, इंडिकेट क्या करती है, स्पीड करती है। ओल्ड मॉडम की बात की जाए, जो IT लैब में लग रहे हैं, 9600, 14600, 28800, 36600, 33600, ठीक है। और आज की डेट में स्टैंडर्ड में, आज की डेट में कितना चल रहा है, 56000, मतलब 56000 चल रहा है, इज बिकम अ स्टैंडर्ड आज की डेट में जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है। बाकी वे ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर, किस किस टाइप से, किस किस वे से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक होता है डायल अप मॉडम होता है, जो हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, जिसमें एक एक लाइन पे टेलीफोन लगा होता है, दूसरे नेट पर ब्रॉडबैंड चल रहा होता है, तो वो कनेक्शन आता है, यूज इन मोस्ट होम्स, ये देखो आज के डेट में यूज़ होता है। केबल मॉडम हो गया आपका, केबल मॉडम हो गया आपका, जो हम TV केबल लाइन्स जो होती हैं, मतलब यहाँ हम लाइन की बात कर सकते हैं, लाइन वायर हो गया। DSL मॉडिफाई फ़ोन लाइन्स, डायरेक्ट हम जो अपने फ़ोन से USB लगा के शेयरिंग जो करते हैं नेटवर्क की, उससे चला सकते हैं। 81 लाइन होती है, यूज बाय स्कूल्स एंड बिजनेस एक्सेट्रा, मतलब जिसमें पूरी की पूरी क्या होती है, RJ45 की लाइन बिछाई जाती है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्राउन वाइट, ब्राउन, RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45। बाइंग हिंट समरी, मिनिमम हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर के लिए जानते, कम से कम हार्डवेयर को क्या होना चाहिए, 2 GB का होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे बताया 2 GB की कैच मेमोरी होनी चाहिए, Pentium 4 कम से कम होना चाहिए, Pentium 4 क्लास का प्रोसेसर, रैम जो होनी चाहिए 256, पर आज के डेट में 256 नहीं, कम से कम 4GB,
कम से कम 4 GB की रैम लगी होनी चाहिए, और पेंटियम 4 क्लास की बात कर रहा है, आज के डेट में कम से कम i3 होना चाहिए। ये पहले की बात थी ओल्ड, और ये न्यू प्रेजेंट में, तो आज कम से कम i3 होना चाहिए, कम से कम i3 फिफ्थ जनरेशन होना चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए, डिस्प्ले चल जाएगी 17 इंच की, 0.28 डॉट इंच, कम से कम 250 GB होनी चाहिए, जिसे रोम बोल सकते हो और आप हार्ड डिस्क बोल सकते हो, DVD राइटर होना चाहिए, छप्पन के का मॉडम चलेगा, और MFP प्रिंटर होना चाहिए। MFP मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ये प्रिंटर होना चाहिए जो सबका काम कर देगा। टैंक वाला लो तो और बेस्ट है, उससे आपकी कॉस्ट जिसमें टैंक लगा होता है, इंक फिल कर दी जाती है, उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट जो भी लेस हो जाएगी। सॉफ्टवेयर बंडल्स क्या क्या होना चाहिए, मैनी सिस्टम्स कम विद सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड, अगर आप असेंबल्ड कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें, आपको डालना पड़ेगा। तो क्या क्या डालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे पायरेटेड ही पायरेटेड डाल पाओगे, बट ओरिजिनल डालोगे तो बेस्ट है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए बिल्कुल काम करने के लिए, पूरा वर्क काम करने के लिए बहुत मेन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए। और इन्हें छोड़ो इन्हें छोड़ो, म्यूज़िक के लिए या वीडियो के लिए VLC चलेगा, एंटीवायरस होना चाहिए, वायरस से जो प्रोटेक्ट रखे, और जिस चीज़ के लिए आपने वो लिया है CPU प्रिंटर जो कंप्यूटर लिया है, अगर आपने गेम के लिए लिया है तो आप वो आपके गेम और गेम के लिए ले रहे हो तो आपको और स्पेसिफिकेशन बढ़ानी पड़ेगी, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई हाई स्पीड की, तो ये आपको ध्यान रख के परचेज़ करना पड़ेगा। सर्विस और वारंटी डिपेंड करते हो, अगर आप अगर असेंबल्ड ख़रीद रहे हो तो हर प्रोडक्ट की हर आइटम की, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, रैम हुआ, कूलिंग फैन हुआ, SMPS हुआ, कैबिनेट हुआ, मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जैसे यहाँ हार्ड डिस्क है कम से कम 2 ईयर की मिलती है, रैम है लाइफ टाइम या 5 ईयर की मिलती है, कूलिंग फैन 1 ईयर की मिलती है, SMPS 1 से लेकर 2 ईयर तक मिलती है, कैबिनेट की कोई वारंटी नहीं होती, मॉनिटर 1 से लेकर 2 ईयर, कीबोर्ड 1 ईयर, माउस 1 ईयर, इनकी वारंटी आपको मिलेगी। और इन सब के पीछे क्या होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है, कॉल करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो 30 डेज़ की, ये वारंटी वगैरह कुछ नहीं होती। हाँ बस ये है, ऑप्शनल होता है, आप अपनी वारंटी को एक्सटेंडेड कर सकते हो कुछ मनी पे करके। वेबसाइट जिस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर स्टोर्स की दे रखी हैं, बाकी आप जो भी उन्होंने दे रखी है इन्हें छोड़ सकते हो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ जैसे ये दे रखी है डेल, डेल से खरीद सकते हो, अगर HP भी खरीद सकते हो, बाकी आप ऑफलाइन जाके परचेज करो सबसे बेस्ट है। उसमें क्या है, आप बार गेनिंग कर सकते हैं। ओके अब आती है सॉफ्टवेयर की बात, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें कि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, अब बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जो सबसे पहले मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, इम्पोर्टेंट वीडियो कोई भी वीडियो डालता हूँ, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए जिससे आप उसको देख पाए।
प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज, प्रोड्यूसर लैंग्वेज, जैसे बेसिक, फोर्टन और कोबोल, इट्स कॉल्ड अ ऑल आर्स, ऑल आर दी लैंग्वेज। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात की जाए जिसमें क्या क्या आते हैं, उप्स जिसे हम बोलते हैं, ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज भी बात किया तो विजुअल बेसिक आ जाएगा, सी प्लस प्लस, जावा, सी प्लस, ये सब क्या होती है, ये थोड़ी एडवांस होती है, बट नॉलेज आपके पास, नॉलेज आपको होनी चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर वर्क करता है। सबसे पहले हमें कंप्यूटर में क्या डालना होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। रन फंडामेंटल ऑपरेशन, लोडिंग एंड रनिंग प्रोग्राम, जिस पे क्या होता है, लोड करता है, और प्रोग्राम जो होते हैं मतलब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। सेविंग करता है, रिटरिंग डाटा करता है। कम्युनिकेट विद प्रिंटर, प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करता है। मॉडम और एड्स मतलब कि प्रिंटर हुआ, मॉडम हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, आपका स्क्रीन हुई, सबके साथ क्या करता है, वो कम्युनिकेट करता है, कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल क्या क्या होते हैं, डॉस हो गया जो किस पे चलता है, कमांड्स पे चलता है, विंडो 3.1, 95, 98, मी 2000, एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, 9, 10, 11, 8.1 आपके बुक में भी है, यूनिक्स, लाइनक्स, ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब होता है जिस पे एप्लीकेशन, जिस पे एप्लीकेशन चलती हैं, जैसे आपके फ़ोन में किस क्या बोलते हो आप, फ़ोन में अपने जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको ऐप्स बोलते हो, जो कहाँ से डाउनलोड करते हो, एंड्रॉयड प्ले स्टोर से करते हो। वही कंप्यूटर बात की जाए तो उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं क्या, आप के आपको कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, सीपीयू के साथ, कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, करना जैसे म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो उसका आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया वीएलसी, तो वो आपकी हेल्प करेगा, या आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आपने वर्ल्ड डाउनलोड कर लिया तो वो आपको उसमें फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। तो मतलब क्या है, आपकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देता है। जैसे एग्जांपल है, वर्ल्ड प्रोसेसिंग हो गए, स्पीच शीट हो गई बजट वगैरह बनाने के लिए, डाटाबेस के सर्च स्लॉट सेलेक्टेड हो गए, एजुकेशन के सिमुलेटर या प्रैक्टिस या नोटबुक या प्रिंटर या पेंटर, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स में चार्ट्स डायग्राम बनाने के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में पैम्फलेट बनाने के लिए, पैम्फलेट बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर लीगल इश्यूज, ये क्या है मतलब जेन्युइन होने चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो कुछ टाइम बाद ये क्या बन जाते हैं, वायरस बन जाते हैं, जब वायरस बन जाते हैं आपके पीसी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो अगर ये लाइसेंस वाले होंगे तो ये क्या होंगे, जेन्युइन होंगे और पीसी को हार्म नहीं करेंगे, वायरस नहीं बनेंगे। तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो जैसे आपका टैली होता है वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ईआरपी जो है आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, और जिसमें आप इन्वेंट्री का काम करते हो वो भी कहा है आपके कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। कैन ओनली मेक बैकअप कॉपीज फॉर योरसेल्फ, कैन यूज़ ओनली वन और मोर मशीन एट अ टाइम, एक टाइम पे क्या हो सकते हैं, एक और दो पे मशीन पे चल सकते हैं, और लाइसेंस वाले होने चाहिए। शेयर वेयर मतलब यू कैन शेयर टू एनी वन, किसी के साथ आप शेयर कर सकते हो, मेक्स कॉपीज एंड गिफ्ट टू एनी वन। फायरवेयर मतलब होता है कैन कॉपी एंड यूज़ इन इमिडिएटली, आप उसको यूज़ करते हैं इंडेफिनेटली। सॉफ्टवेयर वायरस मतलब क्या होते हैं, इलीगल कोड्स। सॉफ्टवेयर वायरस मतलब जो अभी जैसे मैंने बताया, अगर ये जेन्युइन नहीं है तो कुछ टाइम बाद ही क्या बन जाएगा, वायरस बन जाएंगे, इसके जो कोड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इलीगल कोड्स यूज़ कर रहे हो आप तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे किसमें, जो आपके मेन प्रोग्राम में है, तो वो किस क्या बन जाएंगे, फिर वायरस बन जाएंगे और आपके पीसी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर फाइल्स जो हैं, डाउनलोड फाइल जो हैं, सब क्या हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। जस्ट लाइक ऐसा एक स्टोन स्क्रीन पे, वायरस में भी रिलेटिवली हार्म लेस होता है, बहुत गंदा होता है,
डैमेजिंग कर सकता है आपके हार्ड डिस्क को भी, स्क्रीन को, मतलब पैसे हार्डवेयर को नहीं बट आपके जो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग है उसको सब कुछ क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, एक्टिवेट हो जाता है एक सर्टेन डेट पे। वायरस प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, एक सॉफ्टवेयर डालना होता है जो होता है एंटी वायरस, वो आपके पीसी को वायरस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सेफ रखता है, शुड बी अपडेटेड। और इसको क्या है ये, क्योंकि आपने क्या करा उसका एक कोड ले लिया है, उसको परचेज़ कर लिया, तो इलीगल कोड को आपने रिमूव कर दिया, डिटेक्ट करके रिमूव कर दिया और असली कोड जो है उसका जनरेट करके जेन्युइन कर दिया, तो उसको रियल। और आप टाइम टू टाइम उसको क्या कर रहे हैं, अपडेटेड भी कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यू फाइल इंटरनेट पर आ रही है वो क्या होती है आपके सिस्टम पे अपलोड होती रहती है, डाउनलोड होती रहती है, तो वो क्या करता है जब आप अपडेट करते रहते हो अपने एंटीवायरस को, तो इनके अगेंस्ट में जो इनको भगाएंगी, जो इनको रिमूव करेंगी फाइल, उसको क्या करता रहेगा, वो अपडेट करता रहेगा ऑनलाइन। ये हमारा क्या था, बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वीडियो आज हमारी यहीं ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, बट तीनों बैचों के लिए है ये, और वीडियो को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और हाँ, लर्न ज़रूर कर लें, कॉपी में भी कॉपी कर लें, और टेस्ट जो है अब वीडियो से ही बनेगा, ओके। और किसी को कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट है, तो मुझे वो ग्रुप पे मैसेज कर सकता है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन था, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो मिल ही गया था, तो सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो डिस्प्ले होती है, क्या होती है जो डिस्प्ले होती है, वो कौन सी बेस्ट डिस्प्ले होती है, मतलब उसका जो डॉट इंच होता है जिसमें हम इनको नापते हैं, जो इसमें मेज़र करते हैं, कौन से डॉट इंच वाला हमको लेना चाहिए, आज का क्वेश्चन, ओके। चलो, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, और वीडियो को ध्यान से पढ़ना, ठीक है।